सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ स्वर्ण सिंह कैणा। दोस्तों इस वक्त असी न्यूजीलैंड की मुराबाई बीच के उत्ते पहुंचे हुए हैं। बीचा इतने दो तीन असी होर भी देखियां जिते कि कुदरत के नज़ारे है जोड़े वो देखने योग आ, जिथे आ के पता लगता भी पानी किमें कलोला करता। तो मैं अज ये भी सोच रहा कि जेकर हुण कंडे दे उत्ते आ के जिथे कि रेत आ उतों तक हौली हौली थकिया हुई हंबिया हुई जड़िया छलां पहुँच रही, तो जिथे भी समुद्र का केंद्र होगा जिथे सेंटर होगा विचलड़ा हिस्सा उत्थे किन्नियां वड्डियां वड्डियां लहरां होणगियां। तो कुदरत दे की करिश्मे आ इत्थे आ के इस गल का अहसास हुंदा। इत्थे आले दुआले पहाड़ी दृश्य, इत्थे बड़ा खूबसूरत नज़ारा। जिहड़े भी लोग इत्थे तैरना जाणदे आ जां जिहड़े भी लोगों के कोल अपनियां बोट हैगियां किश्तियां हैगियां वो अपना आनंद माणदे आ। कोई इत्थे मच्छियां फड़ रहा, इत्थे वेख के बड़ा चंगा लगा भी किवें किवें इत्थे साथी आ। उपर टीसी दे उत्ते आ लोग खड़े आ जिहड़े वातावरण का आनंद माण रहे आ, लोग इत्थे आपदी मस्ती दे विच। सो मैं इत्थे सारा कुछ देख के ते हैरान भी हाँ भी की कुछ है। तो असी सारा दिन कुदरत दे प्रेमी बन दियां गल्लां तां करदे आ, पर कुदरत दा प्रेम सच्ची मुची जमीनी अर्थां दे उत्ते असी किन्ना क दर्साउने आ, इह वी कदे कदे सोचण वाली गल आ। आ जिहड़ा तुसीं हुण दृश्य देख रहे हो कैमरे दे विच, इह सूरज डुब्बण दा दृश्य आ। मेरी बेनती कि इत्थे एक मिनट दे लई कैमरा रोक लिया जावे जी, ते तां जो सूरज हौली हौली आ जिहड़ा जदों असी इत्थे पहुंचे सीगे तां बड़ियां तिखियां सी किरणां सूरज दियां, ते इस थान दे उत्ते हौली हौली समुंदर दे परले पासे जाके ओले जिहदे विच उह बह जांदा इउं लगदा वेख के पहला प्रभाव आ जिहड़ा। सो सूरज इत्थे छुप रिहा, ते आ तुहानूं मैं थोड़ियां जिहियां नेड़लियां किरणां दिखाउणा। आ उहदी जिहड़ी लाली आ उह मध्यम पैंदी हुई दिस रही आ। आ आले दुआले भी घुमा के दिखा दो जी कैमरा। पंछी आ इत्थे जिहड़े उह कलोलां कर रहे आ। तो मैं नाल नाल ये भी सोच रहा कि असी पंजाब दे वासी उहदे विच मैं भी शामिल हाँ, कल्ले तुसी नहीं, ते असी सारे ही जाने किन्ना कु कुदरत दा सत्कार करदे आ। ये तो नहीं कहंदे भी भाई पंजाब दे विच तां आपां जाणदे पंजा दरियावां दी धरती सी, ढाई दरिया साडे कोले रहि गए, उहनां दा की हाल कर दित्ता असी। पर असी इत्थे किसी भी थां दे उत्ते कोई कुत्ते घुमाउंदे नहीं देखे लोग, इत्थे कोई भद्दियां हरकतां नहीं देखियां असी, इत्थे कोई खलल पाउंदे नहीं देखे असी, इत्थे कोई आले दुआले लोकां नूं गंद पाउंदे, इत्थे प्लास्टिक दे लफाफे सुट्टदे, पानी दीआं बोतलां सुट्टदे, कोक दीआं बोतलां सुट्टदे, इत्थे किहो कुछ भी नहीं देखिआ। मतलब ये आ भी कुदरत दा आनंद माणन वास्ते इत्थे लोक आउंदे आ। नाल नाल मैं ये भी सोची जांदा भी किन्नी हरियाली है चौं पासे पहाड़ां दे उत्ते, भी किते भी दरख्त कट्टणा होवे इत्थे तां उहदे उत्ते पाबंदी आ। ते असी पंजाब दे लोक आ जिहड़े उह दरख्त कट्टण नूं किस तरीके दे नाल अपना माण समझी बैठे आ, दरख्त लाउणे घट्ट आ ते कट्टदे असी वध आ, इहनां गल्लां दे उत्ते हैरानी जरूर हुंदी आ। सो जिहड़ा इह आनंद आ, इह मेरा मन कीता कि तुहाडे नाल भी सांझा कीता जावे भी किवें समुंदर दीआं छलां कलोलां करदीआं आ रहीआं। आपां तां तैरना नहीं जाणदे, पर जिहड़े तैरना जाणदे आ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰੁੜਦੇ ਰੁੜਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਕਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੁਰਾਬਾਈ ਬੀਚ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਨ ਟ੍ਰੀ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਦਰਖਤ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਮਾਧ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੌਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੋਲ ਕਤਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਗ੍ਰਿਲ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਮੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਘੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧੂੰਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੀਤ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ 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 ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ
वह जलवे कुदरत का जोड़ा नज़ारा वो असी माणते रह गए। वह कुदरत जी हूँ साढ़े नाराज़ हो चुकी है, वह कुदरत जिरा असी कान कर दिता, वह कुदरत जी असी कद कदर नहीं की। आ मेरी बेनती है कि एक बार फिर सूरज दिन किरण जो दिखा दौ, और सूरज जोड़ा वो थोड़ा थोड़ा झौला हूँ पा के नीवी थान के वल जा रहा जापदा। सो यी जी कुछ क मिनटा की वीडियो बनाने का मकसद कि असी तुलना कर सकी, इतों का नज़ारा जोड़ा वो थोड़े नाल भी साझा कर सकीए, क्योंकि आप इको परिवार के हाँ, आप सारे एक धर्मां दे बखेड़िया तो उपर उठ के गल करनी चाहिए है। मैनू सब तो वध तसल्ली की गल दोस्तों इत्थे ये लगी न्यूजीलैंड दे विच आके कि तालाबंदी के मौके नियमों का पालन इत्थे किवें कीता जांदा, ते सरकारां दे वल्लों इत्थे आम लोगों के प्रति सुहिरदता किवें दिखाई जाती है, ते लोग धार्मिक वलगणा तो उपर किवें उठे हुए है। मैनू नहीं लगता भी इत्थे किसी की कोई भावना भड़कदी होवे, मैनू नहीं लगता भी इत्थे कोई शरारती अंसर किसी के धर्म के उत्ते कोई सट मारना होवे, कोई किसी के व्यक्तित्व के उत्ते निजी टिप्पणी करता होवे। सारे लोग जिहड़े सिर्फ तो सिर्फ एक ही गल जानते हैं, जे आप मिलते हैं किसी को कहना बई मैं बस कम तो आया, जां बस जदों आ लॉकडाउन खत्म हो गया मैं कम तो चले जाना, बस हुण कम रुकिया पिया ते जदों शुरू होगा फिर कम तो फिर चले जाना, बस हुण तां कम की उड़ीक है, बस हुण तां कम करन लगी है, घर दे विच बैठ के अक्के पए आ। सारे बंदे जिन्हों भी मिले अज तक असी वो यही गल करदा, ते आपां जदों भी उत्थे मिलदे आ ते असी जी फलानी थां ते जाना, फलानी थां ते आ समस्या होगी आ होगी, मेरा ख्याल है कि सानू भी अपना बौद्धिक पद्धर आ जिहड़ा वो उच्चा करना चाहीदा, मेरे समेत सारिआं समेत ही। सो तुलना करे तो पता लगता भी असी कित्थे आ ते दुनिया किहड़ी थां दे उत्ते वसदी है। साडा पंजाब जिंदाबाद है, जिंदाबाद सी ते जिंदाबाद रहूगा। कुछ क कमियां पेशियां साडे विच ही आ, साडे पंजाब दे विच नहीं। साडा रंगला पंजाब आबाद रहे, जिंदाबाद रहे, इहदी असी आस ते अरदास करदे हाँ। हुण दिओ आग्या ये एक बार फिर दृश्य जिहड़ा उस समुद्र दा दिखा दिओ जी, ते फिर आपां आग्या लगी। लो जी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी।